गाइस आज हम पढ़ेंगे किंगपिन इंक्लिनेशन। किंगपिन इंक्लिनेशन क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो व्हीकल में हमारा एक एक्सेस होता है जिससे टायर रोटेट होता है, जिससे हमारा स्टब एक्सल फिक्स होता है, उसे हम किंगपिन सेंटर लाइन बोलते हैं या एक्सेस बोलते हैं। किंगपिन को KPI और SAI स्टीयरिंग एक्सल इंक्लिनेशन, ये पुराना नाम है स्टीयरिंग एक्सल इंक्लिनेशन, पर अभी किंगपिन इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो किंगपिन इंक्लिनेशन जो होता है, फ्रंट टायर में जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री है उसका पार्ट है, जैसे आपने कैम्बर कैस्टर और टोई टॉर देखा है, ऐसे ही किंगपिन इंक्लिनेशन होता है। किंगपिन इंक्लिनेशन के बहुत सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए किया गया है। एक तो हमें स्पेस मिल जाता है कि यहाँ पे हम ब्रेक्स वगैरह और भी सारे जो हमारे सिस्टम है वो लगा सके। और इसका मेजर बेनिफिट ये है कि किंगपिन देंगे तो ये स्क्रब रेडियस जो है, स्क्रब रेडियस हमारा एक ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर हमारा किंगपिन सपोज मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन है और ये हमारा किंगपिन एक्सिस भी वर्टिकल है, तो ये स्क्रब रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारा व्हील जो है एक दूर से टर्न करेगा, इससे हमारा लिंकेज जो है ये बढ़ जाएगा और स्टीयरिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम एक किंगपिन इंक्लिनेशन देते हैं। ये जो होता है फ्रंट व्हील ड्राइव में 12 से 18 डिग्री होता है और रियर व्हील ड्राइव में होता है 6 से 8 डिग्री। इसका मेन बेनिफिट यह है कि KPI हेल्प द व्हीकल स्टीयरिंग सिस्टम रिटर्न टू स्ट्रेट अहेड आफ्टर ए टर्न। ये इसमें आपको ये स्ट्रेट जब आप टर्न करते हो तो फिर ये स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करने में ये भी बहुत हेल्प करता है। तो किंगपिन जीरो नहीं रख सकते, किंगपिन इंक्लिनेशन ये नेगेटिव नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ये स्क्रब रेडियस जो है मेन एक पैरामीटर है जिससे हमारी टायर की लाइफ और स्टीयरिंग स्टेबिलिटी हमें देखनी होती है। तो अभी आपने जैसे मेरे ये वीडियो देखे हैं, अब बाद में हम स्क्रब रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।